कार्लाई में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां दो ट्रकों में हुई जोरदार भिड़ंत, ट्रक के उड़े पर खर्चे। जानकारी के अनुसार झांसी के कूच थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे की पुलिया के पास दो ट्रकों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक की गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद से मोड ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने चेकअप के दौरान मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम जाँच पड़ताल में जुट गयी। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। एक डेड बॉडी एम्बुलेंस चालकों द्वारा यहाँ पर लाई गई है, जो कि टोल प्लाजा के एम्बुलेंस के कर्मी थे। तो वो हमारे पास जो है वो एज ए डेड बॉडी है, तो उसको हमने अभी लेकिन कोई शनाख्त उसकी नहीं हो पाई है और अभी हमारे पास वहीं पर है। लेकिन हमने जब उसको PI पुलिस इन्फॉर्मेशन भेजी तो उसका जानकारी हुई कि ये जो है एक नवाब नाम का आदमी है, जो कि 41 साल जिसकी उम्र लग रही है और जिला जालौन निवासी है। और ये एक ट्रक ड्राइवर है, जो कि दो ट्रकों के भिड़ंत में इसे घायल हुआ था, शायद उसी में उसकी मृत्यु हुई है।